शांति आज हम जो टॉपिक लेंगे उसमें है कि मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना ही सेफ्टी का साधन है हम अपनी लाइफ में बचपन से बचपन में फिर बड़े होते हैं स्कूल जाते हैं फिर कॉलेज जाते हैं और फिर ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करते हैं शादी होती है घर बदल जाता है महिलाओं का और उसके बाद जो भी हमारा लाइफ है उसमें हर फेज़ में हमारा जीने की एक मर्यादाएं होती हैं तो जो मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहते हैं वो सदा सेफ रहते हैं खुश रहते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि जो भी मर्यादाएं सेट की गई हैं वो हमारे अपनी सेफ्टी के लिए हैं जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आप रोड पर जाते हैं तो ट्रैफ़िक रूल्स बने होते हैं अगर हम ट्रैफ़िक रूल को फॉलो नहीं करेंगे सपोज़ रेड लाइट को हमने क्रॉस किया रेड लाइट हो रही है और हम क्रॉस करके जा रहे हैं तो देयर मे बी ए चांसेस ऑफ एक्सीडेंट तो किसका नुकसान हुआ या किसका नुकसान होगा मेरा खुद का तो चाहे वो सरकार ने नियम बनाए हैं चाहे हमारे घर में रहते हैं हमारे माता पिता ने नियम बनाए हैं या हम स्कूल में जाते हैं तो भी स्कूल के कुछ नियम होते हैं ऐसे ही हम दफ्तर में काम करते हैं तो दफ्तर के भी अपने नियम हैं तो भले आप कहीं भी जाइए कहीं भी रहिए देर आर सर्टेन सेट्स ऑफ रूल जो हमें फॉलो करने होते हैं अगर हम कोई शॉर्टकट तरीका यूज़ करते हैं या उनके रूलों को अवॉइड करके जंप लगाते हैं या कोई स्टेप हम मिस करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें अड़चन आ सकती है हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है तो हमें हमेशा अपनी लाइफ को स्टडी एंड स्मूथली रखने के लिए और हम खुद खुश भी रहें और हमारे हर दिनचर्या के जो कार्य हैं वो सहज भाव से होते रहें और जिन व्यक्तियों के संपर्क में हम आते हैं कहीं भी किसी भी स्थान पर वो भी हमसे सेटिस्फाइड रहें खुश रहें मतलब हमारा जो पब्लिक रिलेशन है या हमारे मित्र संबंधी हैं या हमारे बड़े हैं वो सब हमसे संतुष्ट रहें तो वो कब होगा तो हमारी खुशी बढ़ेगी और हम आगे के आगे तरक्की करते जाएंगे वो कब होगा जब हम मर्यादा की लकीर के अंदर हर जगह की हर स्थान की हर एज़ की एक अलग मर्यादा होती है मतलब सेट्स ऑफ रूल होते हैं दैट वी हैव टू फॉलो तो अगर वो हम फॉलो करते रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी अब अपने इत हमारे उसमें ले लीजिए जो सबसे बड़े मर्यादा का एग्जाम्पल है वो है राम और सीता रामायण में जब सीता माता ने मर्यादा की लकीर लक्ष्मण रेखा जो खींची थी लक्ष्मण जी ने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी वो किस लिए खींची थी कि सीता वहाँ अकेली थी और उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने उस लक्ष्मण रेखा को खींचा था और माता से कहा था आप किसी भी हालत में इस लकीर को क्रॉस करके नहीं जाइएगा तो ये सेफ रहेंगे तो जो भी परिस्थितियाँ बनी कारण बना तो उन जब उन्होंने उस मर्यादा की लकीर को लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तो क्या हुआ उनकी भावना शुभ थी उनके मन में कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी शुभ होते हुए भी अच्छा कार्य करते हुए भी वो तो साधु को क्या देने जा रही थी दक्षिणा देने जा रही थी जो वो मांग रहा था तो उसने शर्त रखी लक्ष्मण रेखा के माया का रूप था ना वो रावण माया रूप बनकर आया था परीक्षा लेने के लिए और क्या परीक्षा लेने के लिए आया था कि सीता माता इस लकीर को क्रॉस ना करे तो क्योंकि उस बात का उल्लंघन हुआ भले इंटेंशन अच्छी थी भावना अच्छी थी लेकिन किसका वो जो रूल जो नियम था जो मर्यादा थी जो लक्ष्मण जी ने सेट की थी सीता जी के सेफ्टी के लिए वो क्या हो गई भंग हो गई तो उसका रिजल्ट क्या हुआ रावण का राम से युद्ध करना पड़ा और सीता को कितनी कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ी और कहाँ रहना पड़ा तो ये सब किसकी वजह क्या रही सीता माता को भी दुख हुआ श्री राम को भी दुख हुआ लक्ष्मण जी को दुख हुआ और लंबे समय तक वियोग में रहना पड़ा तो सभी के लिए एक समस्या का रूप बन गया तो ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि भले ही हमारी इंटेंशन भी अच्छी है कि हम कुछ गलत मन में हमारे मन में नहीं है लेकिन फिर भी हम मर्यादा की लकीर को क्रॉस नहीं करें उसमें ही हम सेफ हैं इससे बढ़िया एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता तो हम डेली लाइफ में अपनी दिनचर्या में भले हम घर में होते हैं तो घर में भी हमारे माता पिता होते हैं हमारे बुजुर्ग होते हैं जो भी वो हमें गाइडलाइन देते हैं या जो भी हमें वो कहते हैं उसमें हमारी सेफ्टी होती है तो तभी क्या कहा शुरू से हमें क्या सिखाया जाता है बड़ों का कहना मानो क्योंकि वो अनुभवी होते हैं और वो हमारे वेल विशर होते हैं तो उनका कहना मानेंगे तो हम सेफ रहेंगे और आजकल जो डेली दिखाई देता है कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते टीचर का कहना नहीं मानते हैं तो वो कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में स्ट्रक कर जाते हैं जिससे उनको भी प्रॉब्लम होती है उनको भी पीड़ा होती है और फिर इंटर पेरेंट्स को भी होती है तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहना ही हमारी सेफ्टी का साधन है घर में हमें सिखाया जाता है बड़ों का आदर करो बड़ों का कहना मानो तो आजकल तो कलयुग का अंत समय है तो कितने लोग कहना मानते हैं और कितने नहीं मानते हैं तो जो नहीं मानते हैं तो वो क्या खुश रहते हैं आप खुद देखिए आज दुनिया की हालत क्या हो गई है पेरेंट्स को भी हम उल्टा जवाब देते हैं बच्चे प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई भाई की हत्या कर देते हैं तो ये तो मर्यादाओं में नहीं है ना ये तो मर्यादाओं से बाहर की चीजें हैं तो उसका रिजल्ट क्या हुआ घर घर में कलह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया दो हर एक कोई एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है तो उसका रिजल्ट है आज हम कलयुग में हमारे सामने क्या क्या कुछ हो रहा है इस ये वही है कि हमने अपनी मर्यादाओं को तोड़कर उनसे बाहर निकलकर जो भी कार्य किया उसका रिज़ल्ट गलत ही होता है अगर हम स्कूल जाते हैं बच्चे तो स्कूल का एक डिसिप्लिन होता है एक टाइम होता है उसकी एक यूनिफॉर्म होती है उसकी टाइम पीरियड्स होते हैं क्लासेस होती हैं उसमें भी अटेंडेंस बच्चों को सिखाया जाता है छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं ये करो ये नहीं करो टीचर्स का कहना मानो तो ये सब चीज़ें जो बच्चे ओबिडिएंट होते हैं आज्ञाकारी होते हैं मतलब बड़ों का कहना मानकर मर्यादा की अंदर रहते हैं तो उनको तारीफ भी होती है उनका सम्मान भी होता है और वो आगे भी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं ऐसे ही कॉलेज में जाओ या फिर उसके बाद हम ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो ऑफिस के अपने कुछ नियम हैं नियम मतलब मर्यादाएं हैं तो जहाँ भी ऑफिस में भी जाएंगे तो आजकल भी बहुत लगा हुआ है देखिए ऑफिस लो में लोग क्या करते थे टाइम बेटाइम आना थोड़े से घंटे काम करो फिर गायब और महीने के एंड में पूरी तनख्वाह लेना तो हमने क्या किया ऑफ़िस के लिए उतना कार्य नहीं किया उससे ज़्यादा हमने उससे तनख्वाह ली उससे पैसा लिया तो पैसा कितना लेना चाहिए जितना काम किया तो उतना काम नहीं किया ना तो ऑफिस में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई दस लोगों में से पांच लोग ऐसा कर रहे हैं और पांच लोग सही चल रहे हैं तो उन पांच लोगों को देखकर बाकी पांच लोगों पर भी तो उनका असर होता है ना तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ सब ऑफिस में पंचिंग मशीन हो गई बायोमेट्रिक मशीन लग गई कि सभी को कंपलसरी टाइम पर आकर पंच करना है तो कुछ लोगों की वजह से और लोगों को भी स्टिकनेस तो इसलिए या ऑफिस में हम काम नहीं करते हैं जो काम दिया जाता है और कुछ लोग बहुत सिंसियरली काम करते हैं और कुछ खाली बैठकर ही अपनी तनख्वाह लेते हैं लेकिन जो सीरियसली काम करते हैं उनको रिवार्ड मिलता है और जो नहीं करते हैं कहीं ना कहीं उनकी ए ख़राब हो जाएगी प्रोमोशन ड्रॉप हो जाएगा इंक्रीमेंट ड्रॉप हो जाएगा कुछ हद तक ही वो आगे जा सकते हैं जैसे कुछ चमचा बॉस की करते हैं चापलूसी करते हैं तो वो अपना नंबर ले लेते हैं लेकिन मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि लॉन्ग टर्म में उनका इम्पैक्ट उनकी हर चीज़ का इम्पैक्ट उनके ऊपर आता है तो हम चाहे ऑफिस में हैं चाहे घर में हैं चाहे बाहर हम किसी संगठन में हैं या और किसी क्षेत्र में हैं हर एक के लिए नियम बने हुए हैं सरकार के नियम बने हुए हैं आप मंदिर में जाते हैं या बहुत बड़े सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में भी अंदर एंटर करने के रहने के भोजन करने के हर सोने के किस समय क्या करना है सारे रूल बने हुए होते हैं सारे नियम होते हैं कायदे होते हैं तो जो कायदे अनुसार सारे स्टेप्स में काम करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आती बल्कि लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनको और चांसेस मिलते हैं तो हर जगह मर्यादाएं हैं तो अगर हमें अपनी लाइफ को इजी इजी गोइंग बनाना है और सदा खुश रहें और दूसरे भी हमसे संतुष्ट रहें तो क्या होगा और हम हर चीज़ में अपने कार्य क्षेत्र में या हर बात में सफलता प्राप्त करते रहें उसके लिए हमें अपने जो भी जहां भी जिस स्थान पर भी हम हैं जिस क्षेत्र में भी हम हैं हमें अपनी मर्यादाओं के अंदर रह कर कार्य करना है ये हमारा सेफ्टी का साधन है तो इसलिए सदा अपने आप को मर्यादाओं की लकीर के अंदर रखें तो हम सेफ रहेंगे कोई भी रूल ब्रेक नहीं करें चाहे भले हम रोड पे जा रहे हैं हमें जल्दी है तो भी हमें ध्यान रखना है कि कई बार लिखा होता ना दुर्घटना से देर भली क्यों लिखा होता है हम सोचते हैं कि रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि हमें इतने बजे वहाँ पहुँचना है वो मेरी मीटिंग है लेकिन इसके लिए क्या लिखा होता है कई कई जगह दुर्घटना से देर भली तो देर हो गए तो आप जाकर बोल भी सकते हैं ट्रैफिक जाम था इसलिए देर हो गई लेकिन जल्दबाजी में आपने उस रूल को ब्रेक किया तो आगे पुलिस वाला आपको पकड़ सकता है तो कितनी देर हो गई और जो चलान करेगा पैसा भी देना पड़ेगा तो ये सब चीज़ें क्या होगा और अगर हमारा कहीं किसी से एक्सीडेंट हो जाए सपोज रेड लाइट क्रॉस किया उधर से भी गाड़ी आ रही है और और हम गलत क्रॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम स्ट्राइक कर सकते हैं एक्सीडेंट हो सकता है तो हमने मर्यादा क्रॉस की तो क्या हो गया एक्सीडेंट हो गया इसलिए प्यारे भाई और बहनों हमेशा जहाँ भी रहें जिस स्थान पर रहें अपने को मर्यादा के लकीर के अंदर रखें तो आप सेफ रहेंगे खुश रहेंगे और सफलता को भी प्राप्त करेंगे ओम शांति